सही बात है। पुलिस स्टेशन अजनी के हद में एक हाउस ब्रेकिंग हुआ था, जिसमें वो लोग एक्चुअली अमेरिका में रहते थे। उसमें 97 ग्राम गोल्ड गया था उनका, और 67 ग्राम चांदी के कुछ दागिने थे। उसमें आईपैड था, सैमसंग कंपनी का मोबाइल था। नियर अबाउट काफ़ी उसमें उनका मुद्देमाल चोरी गया था। तो हमारी टीम ने माननीय डीसीपी डिटेक्शन सर जो है, उनके मार्गदर्शन में मैं और मेरी जो टीम है, PSI साहब है और टीम APIU, तो उन्होंने पूरा ही घरपोड़ी का जो स्पॉट था, वहाँ से लेकर तो रेलवे स्टेशन तक एक 2 से 3 दिन कंटिन्यू सीसीटीवी फुटेज हमने लिए। और फुटेज में हमको ऐसा मालूमात मिली कि ये जो आरोपी है, ये वहाँ से गुनाह करके ट्रेन से कहीं और निकल गए। तो उसी आधार पे हमने आगे की इन्वेस्टिगेशन की। तो आगे की इन्वेस्टिगेशन में हमको ऐसा पता चला कि एक उसमें जो आरोपी है, ये बांग्लादेशी है, लेकिन मुंबई में रहता है और यहाँ कुछ दिनों के लिए आता है। उसके कुछ साथीदार भी हैं। तो हमने पूरी फील्डिंग लगा के और गुजरात और मुंबई जाके उसका इन्वेस्टिगेशन किया, और उसमें दो आरोपी हमने जो मेन थे उसको अटक किया। उसमें मोल्ला मुश्ताक मोजहर बोल के एक आरोपी है, जो सूरत गुजरात का रहने वाला है लेकिन नवी मुंबई में अभी रहता है। और एक है उज्जवल चित्तरंजन पत्रा, जो दीवा ईस्ट थाने में रहता है। तो इन आरोपियों की तरफ से हमने इस गुने का जो मुद्देमाल है, जो गया है चोरी, उससे भी ज़्यादा हमने हस्तगत किया है। उसमें सोना जो है वो 211 ग्राम जो है सोना हमने जब्त किया है, जिसकी कीमत 12,66,000 रुपये है। चांदी के दागीने हैं जिसकी कीमत 61,000 है। दो मोबाइल हैं, ये टोटल 13,45,675 रुपये का मुद्देमाल हमने हस्तगत किया है।